हो मेरे भाई लोग, तो फिर से स्वागत है कि ब्रांड न्यू कैरियर मोड एपिसोड के अंदर भाई। कैरियर मोड में लिटरली जो मजा आ रहा है खेलने में और क्या बोले, पर आप लोगों को भी मजा आ रहा है भाई। इस कैरियर मोड को हम लोग और भी इंटरेस्टिंग करते हैं भाई। इतना बाउंड्री में इस कैरियर मोड के अंदर मारूंगा, इस ग्रो के अंदर मारूंगा, उतना ही गोलगप्पे हम लोग खाएंगे। ये बहुत ही स्पाइसी गोलगप्पे है, जितना बाउंड्री उतना गोलगप्पे, एक बाउंड्री पे एक गोलगप्पा। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा आयरलैंड के साथ मैच है, फाइनली हम लोग को इस टीम के खिलाफ बॉलिंग करने का मौका मिला यहाँ पे। चलो बैट्समैन होकर बॉलिंग दे रहे और क्या चाहिए हम लोग। पिछला मैच के अंदर मतलब पिछला वीडियो के अंदर मैंने भाई लेफ्ट हैंड सब कुछ किया था, लेफ्ट हैंड से बॉलिंग, लेफ्ट हैंड से बैटिंग, पर आज भाई फिर से हम लोग कमबैक कर चुके हैं राइट हैंड से, क्योंकि राइट हैंड से मुझे सुविधा होती है। अगर भाई एक विकेट मिल जाए ना बहुत सही, और भाई साहब बॉल हार गया रे, अंदर जाता विकेट मिलता। मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मैं अच्छा बॉलिंग कर रहा हूँ यार, मतलब ये लोग बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, मुझे बताओ ये मेरे ऊपर तरस खा रहे, मुझे बताओ यार। मतलब मैंने सिर्फ में सिर्फ 4 रन दिया एक ओवर के अंदर। देखिए दोबारा में मिल चुकी है, पर अभी तक किसी का बाउंड्री मारने का औकात भी नहीं हुआ यहाँ पे। देखो कितना सही बॉलिंग कर रहा है, मतलब पिच को अच्छा हिट करके भाई स्पिन तो हो रही है। मुझे तो भाई इस बात का डर लग रहा है, जब मैं बैटिंग करने आऊंगा तब अगर कोई भी बाउंड्री बटोर लिया, मतलब बाउंड्री तो आएगा पर उसके बाद गोलगप्पा भी खाना पड़ेगा, खत्म। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, स्पाइसी गोलगप्पा है, पेट पे दर्द करेगा भाई, पर बॉलिंग तो फिर भी अच्छा हो रहा है। एक विकेट निकल दे अक्कल भाई, अरे ऐसा बैट्समैन कंफ्यूज हो गया था यार, अगर पैर पे टच होता तो आराम से भी एलबीडब्ल्यू मिलता, खैर कोई बात। टारगेट तो अच्छा दिया भाई, 142 रन टारगेट। अभी बैटिंग करने का मौका आ चुकी है, टारगेट लगता है बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, पहले बैटिंग करने का मौका मिल चुकी है। मैं बोल रहा हूँ इस बार से राइट हैंड से बैटिंग करूंगा, लेफ्ट हैंड से नहीं करूंगा, लेफ्ट हैंड से बहुत मुश्किल होता है भाई, पर मार सकते हैं, पर मैं उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर सकता, मैं रूक हूं। डाल रहे यहाँ पे वाइड ओवर, थोड़ा सा आगे जाके खेलो शॉट यहाँ पे, और ये 4 रन। पर पहला गोलगप्पा हमारा अलग भाई, खाने के लिए मैं तरस रहा था भाई, तीखा हो या मीठा खाना तो पड़ेगा। पहला गोलगप्पा हमारा, प्रभु हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? और नीचे भाई, तो भाई मेरा फोट फोट सब कुछ जल रहा है भाई, मैं कैसे बात करूंगा ये भी मुझे पता नहीं है यहाँ पे, पर सिंगल से लगता है कुछ काम चलना पड़ेगा। नहीं मुझे बाउंड्री चाहिए। अरे यार बॉल बहुत ज्यादा घूम रहा है भाई, अरे भाई बच गई, बॉल निकल रहा है भाई, एक बाउंड्री हिट करना पड़ेगा, पर कैच ना हो जाए, और फील्डर पास में है, बच गए भाई, लिटरली बच गए, अपने तो गारंटी विकेट मिलता। ये तो भाई फ्लिक शॉट मांगता है भाई, क्योंकि कनेक्शन बहुत सही होगा, क्योंकि फील्डर ही नहीं है यहाँ पे, और एक चार रन, सेकंड चार रन हमारे इस कैरियर मोड पे यहाँ पे, चौका मतलब बोल रहा। भाई मेरे प्लेट से ऑलरेडी 2-3 गोलगप्पा कम हो चुके हैं, क्योंकि घर वालों ने खा लिया है, पर फिर भी मैंने कल को बचा के रखा फिर से 4। भाई तीखा तो बहुत ज्यादा है, पर मजा तो बहुत आ रहा है लिटरली। भाई बहुत बहुत तीखा लग रहा है भाई, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे मैं मैच का ध्यान दूंगा मुझे पता नहीं भाई, थोड़ा सिंगल खेल लेता हूँ, उसके बाद बाउंड्री चाहिए। कल सुबह बाथरूम में देखा जाएगा भाई, लिटरली मुझसे और नहीं हो पा रही है। और एक 4 रन भाई, अगर फिर से मुझे तीखा लगा भाई लिटरली, ये लास्ट गोल्ड कप में खा रहा हूँ, नहीं तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, लिटरली बोल रहा हूँ। भाई मेरे होटे चल रहे भाई, लिटरली होटे चल रहे, तन बदन में आग लग चुकी है भाई, पर मेरे स्कोर कार्ड के अंदर, मेरा जो स्कोर कार्ड है उसके अंदर आग लगी ना हो पाया। मेरा शॉट सिलेक्शन भाई, कट शॉट सिलेक्शन भाई इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता भाई, मुझे न्यू शॉट परचेस करना पड़ेगा। मुझे आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ शॉट कैसे भाई गेम के अंदर ऐड करें भाई, मतलब शॉट परचेस करने के बाद ऐड कैसे करो मुझे कमेंट के अंदर बताओ। फिर से वही वाली बॉल, पर इस बार हम लोग कट खेलेंगे, पर ये गैप में बहुत देर के बाद भाई इस शॉट के लिए वेट कर रहा था यहाँ पे, पर मारना बहुत टफ है, टाइमिंग बहुत सही करना होता है। भाई मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है भाई, थोड़ी देर के मैं रुक जाता हूँ भाई, नहीं तो भाई मुश्किल हो जाएगा भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। मैंने चैलेंज तो ले लिया है, मैं कंप्लीट तो करूंगा भाई, इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करूंगा, पर अभी के लिए थोड़ा रहने देते हैं। पार्टी बदल लिया साला, पार्टी क्यों बदलूंगा भाई, अगर जरूर पूरा करूंगा भाई, चिंता मत करो, पर अभी के लिए लिटरली बहुत मिर्च खा लिया भाई, मतलब पता नहीं था, पता ही गोलगप्पे में इतना मिर्च होता है भाई, मतलब मैंने खाया है पर यार ज्यादा था। मुझे लगा था आयरलैंड का बॉलिंग बहुत ही वीक होगा, पर लिटरली बहुत मुश्किल है, पैर टू पैर, मतलब हर बॉल भाई लिटरली पैर टू पैर बॉलिंग करते जा रहे हैं यहां पे। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं है तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैं इंस्टा पे बहुत सारा मीम डालते रहता हूं। 50 के लिए और जैसे 9 रन भाई, आराम से खेलूंगा भाई, लिटरली मेरा कैरियर लिटरली बहुत सही जा रहा है भाई, लिटरली आरसीबी के अंदर तो चांस मिल जाएगा, उसके बाद टेस्ट मैच है, उसके वर्ल्ड कप 2023 है, 71 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, अरे ये क्या हो गया, अरे बैट का एज
चीज लग गया, मैं देख ही नहीं पाया बॉल को यहाँ पे। मतलब मैं खेलने गया था, थोड़ा सा लोअर कट खेलने गया था, अच्छी और फिर 6 रन बाकी था भाई 50 मारने के लिए इस मैच के अंदर भाई समाप्त। और ये अच्छी बात है भाई, हमारा टीम जीत गया भाई, मतलब इंडिया जीत गया भाई। हाँ भाई आयरलैंड के साथ भाई जीतना तो चाहिए, 4 विकेट से मैच जीत गया। फिर भी भाई मैं हो गया मैन ऑफ द मैच भाई, लिटरली मुझे अनएक्सपेक्टेड भाई, मैं तो 50 नहीं मारा भाई, भी बॉलिंग के अंदर घंटा कुछ नहीं उखड़ पाया, फिर भी कर दिया यहाँ पे। वाह लिटरली मैन ऑफ द मैच भाई, आई थिंक दूसरी टाइम मुझे मिला यहाँ पे कैरियर मोड के अंदर। पर नेक्स्ट मैच के अंदर भाई मुझे आई थिंक नहीं लिया क्या, मुझे लगता है भाई उगांडा के साथ मैच है भाई, लिटरली ये हमारा लास्ट मैच है लीग से। कहाँ लिया भाई ओपनर हूँ, बॉलर का नाम है मियाँ जी, खाएंगे मियाँ जी लिटरली मैंने पहली बार नाम सुना भाई उगांडा भाई, उगांडा से कभी खेले हुआ मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन खेला कमेंट के अंदर बताओ भाई। इस पिच भाई बॉलिंग पिच लगता है यहाँ पे भाई, खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्लेसमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर फिर भी भाई मैं गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत मुश्किल हो रही है। मियाँ जी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, ये स्लॉट में गेंद भाई, ये तो मैं मार के ही छोड़ूंगा यहाँ पे। ये देखो भाई ये शॉट अगर मतलब ये बॉल अगर हर बार डाला तो बैटरी में बाउंड्री में बटूंगा भाई, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है ठीक है। यार बॉल बहुत बाउंस कर रहे हैं यहाँ पे, अरे यार पीछे क्यों बॉल मार रहे यार, मतलब मैं मार रहे कहता पर डॉट होगी। ये फिर से स्लॉट में गेंद है, देखो भाई पीछे की तरफ चीकू भाई की तरफ मारूंगा, ये शॉट में कभी गलती नहीं करता भाई, क्योंकि ये शॉट में खेल खेल के मैं लिटरली बहुत प्रैक्टिस किया था भाई, ये शॉट मेरा जहन में बस चुका है। पैर टू पैर बॉलिंग करते जा रहे भाई, मिस खाया उसके बाद और क्या गलती कर दी। क्या गलती कर दिया, लिटरली बहुत बड़ा गलती कर दी, ये बेवकूफ वाली बात कर दी हम लोगों ने यार। 19 पे आउट हो गए, क्या लुटाया भाई, जिसने रन आउट किया उन्होंने लुटाया, लिटरली लूट लिया। टोटल स्कोर हुआ है इंडिया का 138 5 विकेट के नुकसान पे, और उगांडा को करना पड़ेगा 139, देखते कर पाते हैं नहीं। बैटिंग के अंदर कुछ तो उखाड़ नहीं पाए, एटलीस्ट बॉलिंग के अंदर कुछ उखाड़ लेते भाई यहाँ पे, देखते हैं बॉलिंग के अंदर भाई हम लोग क्या उखड़ पाते भाई। शॉट लिटरली जो शॉट तारीफ बनता है तो तारीफ तो करना चाहिए भाई, मेरे पास ज्यादा ऑप्शन क्यों नहीं होता भाई। अगर गुगली फुगली होता ना गुगली ड्रिफ्टर, लिटरली अब तक मैं अपने कैरियर मोड के अंदर 3-4 विकेट ले ही लेता। ये मेरा सेकेंड ओवर चल रहा है, फिर भी यहाँ पे रन तो बहुत से कम दिया हम लोगों ने, मतलब बहुत सही बॉलिंग कर रहा है। इससे पता चल रहा है ये बॉलिंग पिच है भाई, बैटिंग पिच तो है नहीं। एक विकेट ले, लास्ट बॉल है भाई यहाँ पे, कैच इट यार, लिटरली अच्छा बॉलिंग पर 9 विकेट। अगर देखा जाए तो भाई 139 रन उगांडा ने किया, उगांडा जीत गया भाई 8 विकेट से भाई। क्या बॉलिंग किया हम लोगों ने, पर मेरा तो बॉलिंग फिर भी अच्छा रहा, बाकी सब ने बॉलिंग नहीं कर पाया क्या, पता नहीं भाई क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। पर इसके अंदर हमारा लेवल भी आप हो गया यहाँ पे 39 से 40 भाई, ये सिंपल तरीका है भाई, ऐसे लेवल आप कर दो। पर हम लोग क्या नॉकआउट के अंदर क्वालिफाई कर चुके हैं भाई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, वो भी क्वार्टर फाइनल में, अब तो मजा आ जाएगा भाई। इसके लिए मैं प्रैक्टिस करूंगा भाई, इस मैच के अंदर मुझे 100 मारना है। पर बाकी सब भाई सेमीफाइनल में जा चुके हैं, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भाई, इस मैच के लिए सब हम लोग तो जरूर वेट करेंगे भाई। भाई लिटरली कमेंट के अंदर बताना कैसा लगा आज का वीडियो, कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा भाई, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना, उसी हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे। लिटरली नेक्स्ट मैच बहुत जबरदस्त होने वाली है, इसके लिए भाई वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नहीं है तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। आप लोगों ने अगर शॉर्ट देखना चालू नहीं किया तो भाई शॉर्ट सेशन करना चाहो, लिटरली बहुत सारा शॉर्ट मिल जाएगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लव यू।